welcome once again to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and experts to help us understand the remarkable journey of teenage. आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा ग्लैमरस है. टीनेज बच्चे ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं. फिर वो अच्छा दिखना क्यों ना हो, अच्छे कपड़ों की चॉइस क्यों ना हो, कंटेंट क्रिएशन क्यों ना हो, या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री यानी टेलीविजन या फिल्मों की दुनिया में एंटर करने की इच्छा क्यों ना हो, इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा क्यों ना हम आज एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिन्होंने अपने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं. श्री विजय सैनी जी 15 साल डायरेक्टर रह चुके हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रह चुका है और आज हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए कि इस ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और इस इंडस्ट्री के कुछ टेक्निक्स है जो आपको सीखने होते हैं, वो क्या टेक्निक्स है वो आज हम आपको बताएंगे. आइए स्वागत करते हैं श्री विजय सैनी जी का. विजय जी नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो इन आवर टीम्स. नमस्ते नमस्ते. आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस शो पे आए उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शूटिंग के लोग बहुत बिजी होते हैं. नॉर्मल से लोग तो 9 to 5 जॉब कर लेते हैं लेकिन शूटिंग के लोग तो जॉब करते ही रहते हैं. बिल्कुल जी जी. कभी कभार ऐसे 2-3-4 घंटे का गैप आता है तो घर जाके फैमिली मेंबर्स को देख के आ जाते हैं. तो विजय जी मैं ग्लैमर की दुनिया के बारे में तो आपसे डेफिनेटली बात करूंगी लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप खुद 2 टीनेज बच्चों के पिता हैं. यू हैव अ ब्यूटिफुल डॉटर एंड अ बॉय और अभी आपका बेटा एक अच्छे पड़ाव पर है. बिल्कुल. एजुकेशन के कुछ बताना चाहेंगे आप? जी आज ही हम अपने बेटे का एक इंजीनियरिंग में CET करके एग्जाम होता है. yes. इंटर के बाद होता है. तो 96 परसेंटाइल आया था वो और उसको बहुत अच्छा कॉलेज वडाला में विद्यालंकर कॉलेज में मिला. तो आज ही हम एडमिशन करके आए. तो एक अच्छा लगता है कि एक माँ बाप के सामने जब बच्चे बड़े होते हैं और अच्छे उस पर जाते हैं तो अच्छा लगता. लेकिन अभी जो आपके बेटे ने डिसीजन लिया है तो उनके इस इंजीनियरिंग के डिसीजन में आपका कितना योगदान रहा है? मेरा तो बहुत योगदान था. मैं बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बच्चों पे डालता था क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आना चाहा तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे बहुत रोका टोका नहीं. वो एक चीज़ बोलते थे कि जो भी करो अच्छे से ईमानदारी से करो. तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब पढ़ने गया तो वहाँ थिएटर ज्वाइन किया तो उनको ज़्यादा इस फील्ड के बारे में पता नहीं था लेकिन वो सुनते थे कि हाँ कुछ तो कर रहा है. जब मेरा भारतेंदु नाट अकेडमी लखनऊ BNA में सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया बेस पे होता है, जैसे NSD होता है वैसे BNA होता है, तो उनकी बड़ी बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ तो कर रहा है बेटा. तो मैंने बोला पिताजी देखिए ये सरकारी नौकरी तो नहीं है लेकिन हाँ आपको सम्मान मिलेगा, मेहनत ज़रूर है, मैं मेहनत करूँगा. बोलते थे ठीक है तुम मेहनत करो कोई बात नहीं. उसी तरीके से आज मैं जब मैं खुद फादर हूँ तो मैं बच्चों को कभी इस फील्ड में आने से रोका नहीं अपने. अगर वो आना चाहते तो आए लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम लोग बेटा पढ़ के आओ. कोई ज़रूरी नहीं है. जैसे आज अपने फील्ड को लोग बोलते हैं कि लड़का बहुत ख़राब है सर, पढ़ लिख नहीं रहा, इसको ना किस करा ले जाओ. जैसे मैं डायरेक्टर बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास फोन मेरा आता बेटा है कुछ नहीं कर रहा, एक्टर बना दो, एक्टर बना दो सर कुछ. मतलब मैं कहा मतलब निकम्मा है उसको एक्टर बना दो. मैं कहा तो ये कौन आपको बोला कि निकम्मे की ही ज़रूरत होती इस लाइन में? नहीं भाई, पढ़ने लिखने वाले ही इस फील्ड में आगे जाते. तो पहले पढ़ाइए. तो मैंने ये कोशिश किया चूँकि मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे अनुभव था, मैंने कहा अपने बच्चों को पहले पढ़ाऊंगा. जैसे मेरी बेटी का इच्छा थी इस फील्ड में आने का जो 10th में थी तो मुझे तो नहीं बताई बट जब मैं वो जहाँ ट्यूशन करती थी वहाँ पे एक लेटर लिखना होता है तो उसमें उसने लिखा कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ ये वो सब पूरा. तो टीचर ने मुझे बुलाया कि बोला आपकी बेटी एक्टर बना. मुझे बोला मैंने बोला बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं बेटा सिर्फ एक चीज़ बोला कि बेटा एक्टर तो कभी भी तुम बन जाओगे लेकिन ये जो समय है ना पढ़ाई लिखाई का उसको पहले पढ़ोगे. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हम लोग करेक्टर होता है कि बच्चों का भी करेक्टर होता है, जवान लोगों का भी होता, मतलब का भी होता. हाँ कि चाइल्ड पढ़ाई कर लो. अभी ये समय ऐसा चूँकि मैं देखता था सेट पे कि बच्चों को जो आते थे समय नहीं मिलता है, माँ बाप पैसों के चक्कर में या नाम के चक्कर में उनसे काम कराते. बुरा नहीं है लेकिन क्या उनको टाइम देना चाहिए. तो मैं देखता था कि बेचारे बच्चे सो रहे तो भी हम जगा दे रहे हैं उनको क्योंकि हमें तो अपना काम करना है. डायरेक्टर है, असिस्टेंट है, जो भी टाइम का बंधन होता है. बिल्कुल बंधन होता है उसमें. आप बच्चा रो रहा है सो रहा है कुछ है हमें तो काम करना है. तो वो कष्ट मैंने देखा. तो मैंने कहा बेटा तू पढ़ ले, जब तुमको एक्टर बनना होगा
तो कभी भी बन जाओ, ऐसा नहीं, मैं खुद इस फील्ड में हूँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है तुम्हारी पढ़ाई पूरी इच्छा है तो कोई इशू नहीं, मुझे कोई अपा पाबंदी नहीं। लेकिन अच्छा है, खुशी की बात है कि बेटी अभी बीए थर्ड ईयर करके तैयारी कर रही है सिविल की, बेटा इंजीनियरिंग में अभी फर्स्ट ईयर वो एडमिशन लिया है। तो मतलब ये है कि हम इस लाइन में, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस लाइन में ना आए, आए लेकिन पूरी तैयारी से। मैं इसीलिए हमेशा सबको बोलता हूँ कि भाई आइए, स्वागत इस फील्ड में, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके आइए। विजय जी, जैसे अभी आजकल तो हम कोई भी एक्टर, ये भी फील्ड अभी इतना ओपन अप हो चुका है कि अपॉर्चुनिटीज अब सब जगह, पहले ऐसे नहीं था, बहुत अपॉर्चुनिटीज कम थी, मैं ढूंढनी पड़ती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सामने से आते भी नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई एक्टर्स हैं, जैसे एनएसडी के एक्टर्स हैं, आपके एक्टर्स हैं जो एक प्रशिक्षण लेके आते थे, बिल्कुल है ना, एक ट्रेनिंग लेके आते थे, फिर थिएटर को अपना पूरा टाइम देते थे, गुरु होते थे थिएटर्स में, जिनके चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा लेके बॉम्बे आते थे एक्टर बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्टिंग का भी जो एक स्टडी का माहौल था वो निकल चुका है, बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि घर से उठो और एक्टर बनो, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, ये एक्टिंग के लिए भी जो सीखने की जरूरत होती है वो कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी, क्योंकि मैं खुद प्रशिक्षक, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा था तो बस मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं था, ग्लैमर तो नहीं, बट ये कहा कि इस कुछ अलग करना है। करेक्ट। मैंने वहाँ देखा ना कि लोग तैयारी कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं सब, तो मुझे लगा यार मुझे ये नहीं कर रहा है। पिताजी ने भेजा था मुझे इलाहाबाद पढ़ने के लिए, तुम कुछ करो, ISP से तैयारी करो, कुछ भी करो। लेकिन जब मैं देखा तो मैंने कहा मुझे ना इसमें अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना मैंने देखा कि जो हम सशक्त, हमें पता ही नहीं, डिक्शन पता ही नहीं कि सर्ष, हम तो यार हम तो बोलते थे हमेशा शासन बोलते थे, शासन बोलना ये क्या है, या क ख ग ज जो हम बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेहनत करना चाहिए बहुत सीरियस, अगर इस फील्ड में जाना है तो बहुत मेहनत करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे एक भौमिक दादा हमारे गुरु थे इलाहाबाद में, वो सर्विस करते थे यूनियन बैंक में, और 7 से 9 उनका वो होता था वर्कशॉप होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि अपने ऊपर किसी का हाथ भी नहीं था, तो मुझे देते थे चलो तुम पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे करके हम धीरे धीरे मेहनत से बढ़े। फिर BNA में गए तो मुझे पता चला कि मैं इलाहाबाद भी 3 से 4 साल थिएटर में था, फिर BNA गए मैं, वहाँ पे 2 साल प्रॉपर एक्टिंग की ट्रेनिंग, जैसे NSD 3 साल का होता है, BNA भारतीय हिंदी नाटक 2 साल का होता, वहाँ भी अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स निकले वहाँ से, विराजपाल यादव भी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहीं से पढ़े हुए हैं। तो लगा कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत, आपको थिएटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे आजकल जैसे मैं खुद एकेडमी खोला, मैं देखता हूँ कि बच्चे आते सीधे बोलते रेड कारपेट, मतलब बिछा हुआ है और हम कर लेंगे। अब उनको पता चलता है ये डिक्शन क्या है, सर श क्या है, सर ये सब तो क्या जरूरी है, उनका नहीं बेटा बहुत जरूरी। इसलिए मुझे लगता है कि इस फील्ड में आइए लेकिन पूरी तैयारी के साथ आए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ISPCS बनना है, डायरेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लोग उसके लिए टाइम देते हैं, एक्टर के लिए क्यों नहीं टाइम, आप साल दीजिए, 2 साल दीजिए, 6 महीने साल भर दीजिए, फिर आइए प्रॉपर स्पीड में आपको, तो ऐसे लोग आएंगे तो सफल भी होंगे। नहीं तो लोग बोलते हैं कि हम तो 4 साल 5 साल से इंडस्ट्री में हैं और हमने कुछ नहीं किया, तो सत्य ये कि आपने कितना टाइम दिया इंडस्ट्री को, ये भी तो है। करेक्ट। आप एक्टर बनना चाहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर 7-8 साल एज असिस्टेंट में काम किया तब जाके डायरेक्टर बना, मैं अपनी फैमिली ने समझ, सुबह गया रात में आया, दिन रात मेहनत, मतलब उसकी तो कोई मतलब, मैं अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, बच्चों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने झेला मुझे। yes. क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं तो आपको मेहनत ही आगे बढ़ाता है। और ये फील्ड ऐसा है कि जहाँ पे रेगुलर इनकम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रिएटिव फील्ड है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन से ये गांठ बांध लेते हैं कि मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ और मैं इससे वाकिफ हूँ कि रोज मंथली सैलरी नहीं, भाई सरकारी नौकरी नहीं है, मैं सीधे बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी हमारा 2 महीना काम करेंगे वही 6 महीने हम खाएंगे। करेक्ट। वो भी 2 महीना चलेगा नहीं चलेगा कुछ ही। तो इतना मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा तभी जाके कुछ इस फील्ड में होगा, नहीं तो ये सोचिए कि आते लोग बोलते हैं कि सर हम तो मतलब हमारे पास तो आते हैं बच्चे तो उनको सीखने की जरूरत नहीं, सर बस आप बताइए हम कर लेंगे। हमने कहा कि भाई एक्टर हम पैदा होते हैं, हमने कहा देखिए डॉक्टर तो सब लोग, बुखार हुआ तो आप कोई बोलेगा डोलो ले लो ये ले लो, लेकिन डॉक्टर ही बताएगा कि क्यों बुखार हुआ। करेक्ट। तो आप में जाके बिल्कुल, तो आप जब एजुकेशन लोगे, कहीं ट्रेनिंग लोगे अपना थिएटर की या एक्टिंग स्कूल में जाओगे पढ़ोगे तो वहाँ पता से चलेगा टीचर को कि बेटा तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, फिर वो आगे बढ़ेगा सीखेगा फिर आगे काम करेगा। विजय जी, हमारे 3 मीडियम हैं, एक थिएटर है, एक टेलीविजन है
और एक फिल्म है, ऑफ कोर्स ओटीटी भी है, बिल्कुल बिल्कुल, बट ओटीटी और फिल्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे थिएटर कहा जाता है कि एक्टर का मीडियम है, बिल्कुल, तो क्यों कहते हैं हम कि थिएटर एक्टर का मीडियम? मुझे लगता है थिएटर जननी है, माँ है, क्योंकि अगर एक एक्टर बनना तो उसको थिएटर करना बहुत जरूरी है। थिएटर में आपको बेसिक पता चलता है, जैसे हम थिएटर में हमको हजार आर्टिस्ट को ऑडियंस को संबोधित करना तो हम चिल्लाएगा और कैसे हो भाई ठीक हो, लेकिन यही माध्यम जब टीवी और फिल्म आता है तो हमें थोड़ा सा आराम से करने लगती है हमारे पास, क्योंकि माइक आ जाता है। करेक्ट, आपको बहुत लाउड एक्टर नहीं होता, आपके सामने सिर्फ कैमरा होता है, थिएटर में हजार ऑडियंस होते हैं, फर्क यही है। लेकिन थिएटर को आप जब कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है। करेक्ट, अगर ये आप नहीं करोगे तो पता ही नहीं होगा सीधे आप, जैसे अभी क्या है, अभी हम सर के ही एक क्राइम कर रहे थे, वो बच्चा 2.5 लाख रुपये दे के, हम नाम नहीं लेंगे, 2.5 लाख रुपये दे के कहीं सीख के आया था, उसको पता भी नहीं था, हमने एक सीन शूट किया फिर रीशूट करना पड़ा, तो उस इंस्टीट्यूट का दोष नहीं है, आपका दोष है कि आपने क्यों मतलब प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं, तैयारी नहीं किया। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि आप थिएटर करिए, इसके बाद वहीं पे आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि अब जहाँ पे आप कर रहे हैं तो वहीं पे कोशिश अपॉर्चुनिटीज मिलता है कि हाँ भाई कि थिएटर कर लिए तो आपको कैमरे एक्टिंग और फिल्म सीरियल ओटीटी सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन थिएटर करना बहुत जरूरी है एक्टर को। तो विजय जी, ये जो थिएटर की लाइटिंग लेके जो टेक्निकलिटीज हैं कि एक्टर को लाइट लेके, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल थिएटर में एक्सपेरिमेंटल लाइटिंग भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे में तो ये रहता है जहाँ चकाचक लाइटिंग है बस वहीं फेस करके खड़े हो जाओ, तो ये जो माइन्यूटेस्ट टेक्निकलिटीज हैं कैमरे के हिसाब से, सो क्या थिएटर से हम डायरेक्टली कैमरे के लिए रेडी होते हैं कि थोड़ा समझने में वक्त लगता है? नहीं 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 नहीं, मैंने देखा है कि थिएटर का बहुत अच्छा अच्छा एक्टर कैमरे के सामने आते ही लाइन भूल जाता है, कांपने लगता है, क्यों? क्योंकि वो तो उसको आदत ही नहीं है, उसको तो आदत है कि मैं मंच पे कहीं भी जाऊंगा मुझे लाइट फॉलो करेगा, मुझे वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे ही कैमरे के सामने आता है वो डरने लगता है, उसके समझ में तो मैं क्या बोलूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कांपने लगते हैं। तो मुझे लगता है थिएटर के साथ साथ कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर एक्टिंग स्कूल विकास फिल्म अकेडमी खोला तो मैंने स्पेशली थिएटर का, तो मैं चूंकि मैंने 15 साल थिएटर किया तो मैं थिएटर के साथ साथ बोलता हूँ कि जननी है थिएटर, लेकिन आपको कैमरा एक्टिंग भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नर्वस हो गए, लाइन भूल जाओगे, क्योंकि क्या होता है कैमरे के बाहर आर्टिस्ट होता है ना तो वो कितनी भी लाइन बोल देता है डरता नहीं, जैसे कैमरे के सामने आया एक्शन डायरेक्टर ने बोला मतलब लाइन ही नहीं बोल पाता। तो मैं फर्स्ट वो देता हूँ कि जैसे हम सेट पे जाते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता कि भाई आधे घंटे आपको 10-20 मिनट दे रहे हैं, आपको 2 पेज का लाइन बोल के याद करके बोलना, तो मैं वैसा ही करवाता हूँ, चलो भाई अभी ये लाइन है आपको 10 मिनट में कैमरे के सामने आना है, तो बहुत लड़के कांपने लगते बोल नहीं पाते, लेकिन धीरे 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 मेमोरी आपका शार्प होगा बढ़ेगा तो अच्छा काम करेगा। जी विजय जी, जैसे आपने कहा कि थिएटर जननी है, महादेवी है, वैसे कैमरा महादेव है, बिल्कुल बिल्कुल, ये महादेव की तीसरी आंख है, तो इस फील्ड में अपना एक औहदा जमाने के लिए ऑनेस्टी की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टी तो हर जगह जरूरी है, चाहे किसी भी काम, अगर आप ईमानदार अपने काम के प्रति तो आप सफल होंगे। सब ये बोलते हैं कि डिसऑनेस्टी से किया हुआ काम कैमरा तुरंत पकड़ लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बोलता ना कि थिएटर में तो आपका रिएक्शन नहीं कोई पकड़ सकता है, लेकिन कैमरा तो आपको सब कुछ पकड़ लेगा, आप बच नहीं सकते कैमरे से, इसलिए बोलते हैं कि कैमरे के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक मुहिम चला दिया हूँ कि भाई लोग इतना पैसा लेते हैं, लोग कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते नहीं, आप एक्टर ठीक है थिएटर बहुत ज़रूरी, मैं बोलता हूँ कि जननी माँ है, लेकिन कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाओ ना, भले पूरा मत सिखाओ, थोड़ा टाइम दो उसको, क्योंकि बेचारा जब कैमरे के सामने आता है, चाहे सीरियल चाहे फिल्म हो चाहे वेब सीरीज हो कुछ भी हो, क्योंकि ज्यादातर काम कैमरे के सामने, बिल्कुल, क्योंकि मुंबई आया तो सीधी सी बात है कि कैमरे के सामने एक्टिंग करने है, चाहे माध्यम कोई भी, तो उसके प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। मैं तो हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बेटा आप आजकल मोबाइल है वो कैमरा मान लो, मत आपके पास पैसा नहीं है आप इंस्टीट्यूट मत जाइए, आप कैमरे के सामने करिए परफॉर्मेंस, क्या टेंशन, बट ईमानदारी होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। विजय जी, आपका खुद का अपना एक एक्टिंग स्कूल है, क्या आप कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, वीकेएस फिल्म एकेडमी, वी, ओके, तो ये मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो सारे एक्टर ही बनते हैं, बिल्कुल, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पीछे टेक्नीशियंस की लाइफ भी उतनी ही ग्लैमरस होती है जितनी एक्टरों की होती है, बिल्कुल, तो क्या बच्चे अवेयर हैं इस बात से जो टीनेजर्स आते हैं आपके एकेडमी की
डीओपी का भी एक कोर्स होता है, डायरेक्टर भी होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट भी होता है, क्या क्या वो हमें? नहीं, बस एक्टर, सिर्फ एक्टर बनने आते हैं। आज मैं खुद डायरेक्टर हूँ, मुझे किसी ने आज तक कोई स्टूडेंट जो भी आया कोई बोला ही नहीं कि सर मुझे असिस्टेंट बनना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, इस फील्ड में बहुत कुछ है। और अपने को एक टाइम दो, एक अपने आप को जज करो, ऐसा नहीं कि हम मतलब 5 साल है 6 साल एक्टिंग किए जाने के। जैसे मैं खुद एक्टर बनने आया था, क्योंकि जब जिस समय मैं आया था वहाँ पे एक नौकर भी बहुत स्मार्ट किया जाता था, जैसे बालाजी में 2001 में आया यहाँ पे। तो अपने आप को पहले पहचानिए, गलत ट्राई मत करते जाइए। करेक्ट। मैं बच्चों को बोलता बेटा अपना एक लिमिट बांधो, उसी हिसाब से तैयारी कर, खूब साल दो साल दो, इसके बाद अगर नहीं होता तो आप निराश मत होइए। बहुत लाइन है, आप डायरेक्शन में आ जाइए, आप कैमरा में आ जाइए, आप साउंड में आ जाइए, मेकअप में आ जाइए, हेयर में, लाइट में, 50 काम है, लेकिन वो लोग छोटा समझते हैं। मैं बच्चों, नहीं सर हम थोड़े नहीं बनने आए हैं। तुम कहे ठीक, तब मेहनत करो। ऐसा नहीं कि आज तो बहुत माध्यम खुल गए, आज ऐसा नहीं कि काम नहीं, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी। अगर आपके टैलेंट है तो आप काम करोगे, नहीं तो फिर वही बोलोगे कि अब तो 5 साल से कुछ हुआ नहीं। तो क्या देख बदलाव देखते हैं आप टीनेजर में? आप जब टीनेजर थे और जब आपने ये मतलब आई एम श्योर 18-19 की उम्र में आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि आपको एक्टर बनना है, तो तभी का जो ठहराव, जो सोच और आज के टीनेजर्स की सोच में क्या, क्योंकि हम फास्ट फूड लाइफ वाले बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या था ना कि इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने रास्ते नहीं थे, टीवी भी बहुत कम था। अगर 2001 की बात करें तो बहुत ज़्यादा चैनल्स भी नहीं थे, बहुत स्ट्रगल भी था। और एक पैटर्न था कि जो अमीर होगा, जो बच्चा बड़ा होगा या जो अच्छा दिखेगा वही रोल करेगा। आजकल के बच्चों में जैसे माध्यम बढ़े कि भाई आपका टीवी सीरियल आ गया, फिल्में आ गई, वेब सीरीज जब से आए तो एक अलग तरीके का एक क्रेज़ बढ़ा, क्राइम के स्टोरीज आ जाएगी तो उसमें लगा कि भाई अब हर तरीके का आदमी खप जाएगा। अगर गरीब का है तो अमीर जो गरीब अगर चेहरा ख़राब है या काला है तो रिच मैन तो नहीं बन सकता। तो ऐसा भी अब करेक्टर आने लगे कि भाई अभी गरीब है तो गरीब का रोल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि आजकल के बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते, सीधे आते हैं सर हम एक्टर, बस काम बताइए कैमरे के सामने पर हम काम करेंगे। सीखने की उनकी पेशेंस नहीं पूरा गया। हम लोग में था वो कि नहीं भाई, जैसे मैं डायरेक्टर भी जब बहुत सीरियस हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं वक्त आएगा, तैयार रहो, वक्त आएगा तो बन जाएंगे। ऐसा ना हो जब वक्त आए तो हम काम ही नहीं कर पा रहे। तो इसी तरीके से कि आप एक्टर की तैयारी करते रहिए, वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। आप सोचोगे नहीं मैं तो यार इतना साल से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं, समय लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो आप फेल हो जाए। विजय जी, ये लड़की लड़कियाँ दोनों एक्टर बनना चाहते हैं, तो लड़कों के लिए फर्स्ट एडवाइस आप क्या देंगे, खासकर लड़कों के लिए? मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर एक्टर बनना चाहते हो तो आओ, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी भावना से। जैसे मैं हमारे क्लास में लड़के हैं भी, लड़कियां भी हैं, तो सीन वर्क भी करवाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि एक तो ईमानदारी अपने प्रति रहे, और जब आप सेट पे जाओ या जब जहाँ सीख रहे हो वहाँ भी ईमानदारी, अच्छी नीयत हो, कलीग के साथ आपकी अच्छी एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, कहीं गलत वो ना हो कि अगर वो सीन कर रहे हो तो आप, चूँकि रील और रियल में दोनों फ़र्क है। तो जो गाँव के बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा जैसे कोई बच्चों के साथ सीन करते हैं, कुछ लड़के लड़के सीन करते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि इसको, अगर आपका दिमाग थॉट अगर सही है, अगर ईमानदारी आपके उसमें विचार में, तो कभी ऐसा कुछ गलत नहीं, आप ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। और फीमेल एक्टर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फीमेल एक्टर को मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सही हैं तो आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। इंडस्ट्री ऐसी, लोग बदनाम किए हैं कि इंडस्ट्री ऐसी ऐसी, कुछ नहीं, अगर गलत है तो हर जगह गलत है। लेकिन मैं बच्चों को, जो मेरे जानने वाले लड़के लड़कियां हैं या सेट पे भी मैं होता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर आप सही हो ना तो आप 4 बजे रात में भी मुंबई में घूमोगे तो कोई आपको टच नहीं करेगा। तो आप आइए, आप ईमानदारी से काम करिए। बहुत लोग गलत काम करने लगते हैं, मतलब होता ना कि नहीं सफल हुआ उसमें, लड़का लड़की दोनों हैं कि नहीं मुझे काम नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट और रिलेशन से आप एक दो काम पा सकते, लेकिन आपको तो अपना टैलेंट ही से आप आगे बढ़ोगे, बाकी तो कुछ नहीं। तो ईमानदारी होना चाहिए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और विजय जी, कभी अगर कोई एक्टर बनने की ख्वाहिश रख के आया है लेकिन कुछ साल बाद अगर वो अपना फील्ड चेंज करते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता, बिल्कुल सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बिल्कुल कुछ लोगों को वापस जाना भी पड़ता है,
कुछ लोग यहाँ फिर भी ट्राई करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सक्सेसफुल बनते हैं वो तो सक्सेसफुल हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो अपने आप को टाइम दो, आप एक सीमा में बांधो कि आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल आपको देना, इसके बाद अगर नहीं होता है तो आप जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि एक वक्त के बाद ना काम भी नहीं होता। करेक्ट। आप जैसे आप कम एज है तो आप हीरोइन दिख रहे हो, धीरे धीरे आप एज होगा तो आप छटते जाओगे, तो आप एक टाइम दीजिए, उसके बाद आप लाइन चेंज करिए, या तो इसी फील्ड में। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे कुछ आ रहे हैं, सुनता है भी इंजीनियरिंग कर करके बच्चे आ रहे हैं, नौकरी छोड़ के मुझे एक्टर बनना है। तो विजय जी, ये जो आते हैं ये कुछ बच्चे जेन्युइन इंटरेस्ट है इसके लिए आते हैं, या कुछ बच्चों को ऐसे रहता है कि 30 दिन काम करूंगा तब जाके मिलेगा, उससे बेटर है एक्टर बन के फटाफट पैसे मिल जाएंगे? एक वो तो है, ग्लैमर का एक है, मुझे जो पर लगता इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बच्चे, मैं समझाता भी, मैं तो अगर एक्टिंग स्कूल खोला तो मैं बहुत समझाता हूँ बच्चों को। मेरे को लोग बोले यार तुम तो एक्टिंग स्कूल खोले, तुम ही खुद ही अपोजिट बोल रहे हो कि नहीं सफलता लेट मिलेगी, तो ऐसा मतलब कि मैं बहुत सच्चाई बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई काम की कोई गारंटी नहीं थी, जो देखता है वो बेवकूफ बनाता है। पहली बात, आपको पैसे से काम नहीं मिलेगा मुंबई में, अगर पैसा बोल रहा कि आप दो हम आपको बना देंगे तो गलत है। तो पर ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर काम प्रॉमिस करते हैं और नहीं देते, और बच्चे वहीं पे जाते हैं, बच्चे वहीं फंसते भी हैं। अगर हम उनको नसीहत देंगे, समझाते हैं, तो उनको लगता है कि विजय जी तो अभी डायरेक्टर बन गए, अब हमको समझा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आप ईमानदारी से आप काम करिए, अगर कुछ समय आता है आप वेट करिए अच्छे रिजल्ट की, नहीं होता तो आप इसी में कुछ चेंज कर दीजिए। और जो बच्चे नौकरी मतलब करते करते, और वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, एक ये भी है कि भाई हम सर अपने आप को समय देना चाहते, कल को हमारा समय बीत गया तो हम ये दिल में मलाल ना रहे कि हमने इसमें वक्त नहीं दिया। तो मैं उनको समझा ठीक है बेटा, नौकरी तो छोड़ दिए, आओ ठीक है, मेहनत ईमानदारी से करो, लेकिन देख लो ये लाइन ऐसी है कि कभी कभी आपको बोलते ना माया नहीं करिए, कभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं, आप यहाँ बैठे हो आपको पता चला कि लाखों करोड़ों खेलने लगे, आपको पता चला कुछ नहीं। करेक्ट। तो ये सत्यता, थोड़ा सा जो डिप्रेशन है ये सब चीज़ों से थोड़ा बचाना चाहिए। सो मेंटल हेल्थ को बचाकर बिल्कुल बिल्कुल बस चलना है, क्योंकि हमेशा सक्सेस तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोई भी हो किसी का 5% सक्सेस होगी, 95% फेलियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब सफल हो तो भी आप घमंड मत करिए, जब असफल हो तो भी आप अपना निराश ना हो, आगे बढ़ते रहिए। तो विजय जी, जब ऐसे निराशा जब आती है, कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी ऑडिशन देते हैं फिर उनका फिर भी कुछ नहीं हो पाता, तो इस फेज़ में फैमिली का सपोर्ट बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा आता है, बहुत बच्चे आते हैं जो माँ बाप के सपोर्ट से आते हैं, बहुत बहुत विरोध से आते हैं, तो मुझे लगता है कि माँ बाप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप उन पर ध्यान भी रखो। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चा गया मुंबई में और टाइम वेस्ट करा, घर के पैसे लेके उड़ा रहा है, आप देखिए कि तैयारी मतलब सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं। अगर उनका ये है कि भाई हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे पे, अगर वो सही कर रहा मेहनत तो थोड़ा वक्त दो, नहीं करता तो आप थोड़ा लगाम भी खींचो कि भाई नहीं बेटा मैं पैसा नहीं दूंगा। तुम लोग, मैं देखता हूँ कि घर से पैसा मंगाते हैं और लोग मिसयूज कर रहे हैं तैयारी के नाम पे, माँ बाप बेचारे कितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, थोड़ा सा तो आप मेहनत करो। विजय जी, जो बच्चे स्मॉल टाउन से आते हैं उनकी मोस्टली ये मेंटेलिटी होती है कि मुंबई बहुत बड़ी नगरी है, हमें आना है। एक कुछ जमाने पहले आप भी आए थे, बट यू मेड योर मार्क, आप अभी मुंबई वासी हो गए हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो भटक जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स सब्सटेंस अब्यूज हो जाता है, अल्कोहल और स्मोकिंग की लत लग जाती है। क्या आपने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जहाँ बच्चे कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड गए हैं और उन्हें वापस बुलाना या वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है? मुंबई ऐसा शहर है ना कि बहुत कुछ सोच के मत आओ, आप होता ना ब्लैंक आइए। अगर इस फील्ड में अगर आपको एक्टिंग में हो, चाहे मैं तो कभी डायरेक्टर बनने के लिए सोचा भी नहीं था, क्यों झूठ बोलूँगा, लेकिन मैं ब्लैंक था, जो दिमाग में करूँगा मेहनत भरूंगा वो रिजल्ट दिखेगा, मतलब क्लीन कैनवस। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर एक्टर बने तो मतलब वो खुराप आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं मैं तो शाहरुख की वाट लगा दूंगा, मैं तो इसकी वाट लगा, भाई कहाँ किस मेहनत से कहाँ तक पहुँचे हैं, टाइम लगेगा तेरे को, पहले मेहनत तो कर, पहले डिक्शन तो सीख ले सहसा क्या है, तब शाहरुख खान की वाट लगाना। तो मुझे लगता है कि आप सोच के मत आइए, बहुत कुछ आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, और जो बहुत कुछ सोच के आएगा
जब सफल नहीं होगा तो सीधे वही फिर ड्रग्स लेगा, फिर 50 तरीके की गलतियां करेगा, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं विजय जी फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, बिल्कुल, कि माँ बाप कॉन्टैक्ट में रहें। बिल्कुल, बहुत जरूर। मैं क्यों बोला कि बार बार कि माँ बाप को ना, अगर बच्चा अगर किसी भी फील्ड में हो, मैं नहीं बोलता कि अपनी एक्टिंग फील्ड किसी फील्ड में हो, लेकिन हमेशा उसको मॉनिटर करते रहो। हाँ बेटा क्या हो रहा है, नहीं ऑडिशन, कोई बात नहीं, चलना है, होगा ना, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेहनत ईमानदारी से करोगे, ईमानदारी से मेहनत करो, ऑडिशन तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लो फेज में माँ बाप ही याद आते हैं। बिल्कुल, आज आप लोग सफल हुए तो ऐसे तो सफल हुए लोग, आज लोगों का हम उदाहरण देते हैं, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का, या कई लोग ऐसे निकले हैं बेचारे 12-15 साल मेहनत की, लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ। शिद्दत हो, मेहनत हो, तो ऐसा कुछ नहीं, बट मॉनिटरी तो रखना चाहिए फैमिली। विजय जी, अभी जब हम आप एक्टर बने, आप इस इंडस्ट्री में आए, तब सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल, हमारा काम लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया नहीं था। बिल्कुल, हम मुझे याद है VHS की ऑडिशन टेप्स बनाते थे, और उस पर लिखा जाता था कि ये इस एक्टर की टेप है, जहाँ पे ऑडिशन होती थी अलग अलग लाइंस बोले जाते थे, एक शो रील बनाया जाता था। बिल्कुल, लेकिन आज जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रील बनाते हो, आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वही आपका प्रोफाइल है। बिल्कुल, तो इससे आप बताइए, सोशल मीडिया से क्या ये सही चीज हुई है कि एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, या ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसने थोड़ा खराब भी हुआ है? मुझे क्या लग रहा है ना कि आज ना एक्टर रील के एक्टर हो गया, जो रील होता है ना इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी है। मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, जो स्टूडेंट को, कि रील के एक्टर मत बनो, उसमें क्या होता है ना, मुँह चलाना। आप अगर रील ही बनाना तो आप अपना डायलॉग कुछ बनाइए ना, अगर आप इस फील्ड में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ठीक है, आजकल बहुत ये हो गया कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, उस हिसाब से भी आपको काम मिलने लगा, बहुत सुनने में आता है, मैंने देखा भी कि इनका रील इनका फॉलोअर, लेकिन वो एक्टर नहीं है। चलो उसके फॉलोअर से काम मिल जाता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद आउट भी हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा मुंह चलाया है, लेकिन हाँ उसको डिक्शन पता नहीं, इमोशन पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो मैं ये बोलता हूँ कि रील अच्छी, अच्छा भी है, आज अच्छा हो गया कि आज इतना सोशल मीडिया कि भाई आप, आपको ऑडिशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप आसान भी हुआ है, लेकिन लोग उसका मिसयूज भी करने लगा अपने फील्ड में। मैं देखता हूँ कि एक्टर अगर हम शूट भी कर रहे हैं, लाइन एक्टर को याद नहीं होती, कोई भी हम कुछ एपिसोड डायरेक्ट कर रहे हैं, लाइन याद नहीं है, लेकिन वो बैठ के रील बना रहा है, पर सीन पढ़ा का, हाँ सर पढ़ते हैं ना, बस बस बस, क्यों भाई, आप एक प्रोड्यूसर का पैसा लगा है आपका, अगर आप सीन पढ़ोगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, फिर क्या कि डायरेक्टर रुक जाता है बेचारा, चलो अच्छा ठीक है पढ़ लो, क्योंकि वो ज़्यादातर उसका वही है कि मेकअप रूम रील बना रहा, सेट पे बना रहा, सब कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा हाँ, तो मुझे लगता है कि अपने काम पर ध्यान दे, तो हो सकता है वहीं से आपको काम मिलने मिलेगा। मैं वही बोलता हूँ कि अगर अच्छा काम करोगे तो ताली पाओगे, चार लोग नंबर लेंगे, और ख़राब काम करोगे तो गाली पाओगे, कौन बुलाया इसको भगाओ, सीधा सी बात, आपको रिजल्ट वही तुरंत मिल जाता है। विजय जी, आपको अपनी फैमिली से, माँ बाप से तो सपोर्ट मिला कि आप, जब आपने अपनी इच्छा व्यक्त की कि आपको इस फील्ड में काम करना है, लेकिन आफ्टर यू गॉट मैरिड, हमारे आपके जो टाइमिंग्स होते थे शूट के, वो 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा होते हैं, तो कैसे आप अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस करके, इस करियर को बैलेंस करके चले? मैं सच बताऊँ तो उसमें मेरी पत्नी का बहुत योगदान रहा, क्योंकि मेरी बहुत कम एज में शादी होगी, जब मुंबई में आया 2001 में तो ऑलरेडी मैं एक बच्ची का बाप था, और शादी हो चुकी थी, सब कुछ सेटल था, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर का पता है जॉब कितना होता है कि कब गया, पहले तो इतना काम होता, डे नाइट हम तीन घर नहीं आते थे। उसको बेचारी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, बच्चों को, मेरा ये था कि मैं फैमिली से रखता था कि मैं ईमानदारी से काम कर पाऊँ, अपने काम को काम दूँ, जैसे होता ना कि अगर फैमिली घर है कहीं प्रॉब्लम, तो हमेशा अपने काम में मुझे उलझन होता था, तो यह है कि हाँ फैमिली मेरे सामने है, और मैं सुबह जाता हूँ, रात में जाता हूँ, देख लेता हूँ, बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, उतना खुशी। लेकिन उनकी जिम्मेदारी अच्छा थी, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे से काम किया, संभाला परिवार को, मतलब कभी वो होता ना कि तभी शायद मैं गाँव का आदमी और लड़का जाके आज मैं डायरेक्टर बन पाऊँ, अगर योगदान नहीं होता वाइफ का तो शायद हम नहीं बन पाते। विजय जी, आजकल औरतें सब होम मेकर्स ना होते हुए उन्हें करियर वुमन बनना है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर घर में माँ बाप दोनों काम करते हैं, और बच्चे यूजुअली नैनीज या स्टाफ है वो उनको बड़ा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी वाइफ होम मेकर हैं तो उन्होंने दोनों बच्चों को ठीक से संभाला, लेकिन अगर वो करियर वुमन होती तो क्या आप ऐसे टाइम स्केड्यूल्स के साथ योगदान दे पाते? शायद मुश्किल होता, क्योंकि हम लोग की लाइन में टाइम नहीं होता है, वो होता ना कि
कि हमारा टाइम तो है नहीं, सुबह अगर 9 का शिफ्ट है तो हमको 6 बजे 7 बजे निकलना होता है, रात में 12-1 बजे आते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि वाइफ अगर करती तो शायद कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होती, तो होता ना कि बच्चों को कौन देखेगा, कब परिवार कौन देखेगा, या एक उसने सपोर्ट किया कि नहीं आप आगे बढ़िए मैं परिवार को संभालता हूँ, ये भी एक अच्छी बात है कि भाई चलिए ठीक है। हाँ अगर कभी अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हो मैं रोकता भी नहीं कि ठीक है तुम आगे बनाओ। अभी जैसे मैं कभी कभी शूट में होता तो मेरी वाइफ मेरा स्कूल संभालती है और बहुत कॉन्फिडेंस संभालती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो गुड, कि मतलब था कि हाँ कर सकते। तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चे सेटल हो गए हैं। हाँ। अभी बच्चे अपने अपने राह पर हैं। बिल्कुल। और वो अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी एक परशुराम शो था 2 महीने डायरेक्ट किया, उसने प्रॉपर तरीके से संभाला, मैं सिर्फ कैमरे में देखता था कि हाँ वाइफ अभी टाइम से जा रही है टाइम से आ रही है, तो बहुत बड़ा योगदान उसका। मुझे लगा कि नहीं अगर तुम मतलब अगर करना चाहो तो अच्छे से कर सकती हो। औरत दोनों संभाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, घर भी संभाल सकती है बाहर भी संभाल सकती है, बस उसको मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है सबको सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, अगर वो करना चाहती है तो बिल्कुल करना चाहिए। विजय जी, काफी घरों में जैसे इंडिया में 2 बच्चे होते हैं यूजुअली, हम समझते हैं 1 लड़का और 1 लड़की और फैमिली कम्प्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं जो आज भी सुनने में आता है कि भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। यू नो, मैं लड़की हूँ तो मम्मी डैडी मेरा इतना कुछ नहीं करते, लेकिन भाई की एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वो ये करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशन में सोचा? आई नो आप दोनों को सेम मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशन के बारे में सुना है जहाँ लड़का और लड़की में भेदभाव होके एजुकेशन स्टेटस अलग ग्रांट करते हैं दोनों को? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जो करता हो गलत बात भी है। मेरी तो बड़ी बेटी थी, 5 साल बाद मेरा बेटा हुआ, तो मैंने बेटी को तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाया लिखाया और उसका जो मन किया, पापा मुझे ये करना है बेटा करो, बेटी को मैं मतलब अगर कुछ बात होता बेटी को अभी फील होता कि पापा मतलब बेटे को पुलकित को मानते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जानती है कि जहाँ पे आता हमेशा पापा मेरे साथ रहते हैं। अलग फैमिलीज में मैं सुनता हूँ कि लोग बच्चों बेटियों को आगे नहीं करते, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि माँ बाप को भी ना अपने बच्चों पे विश्वास करना। जैसे मैं मेरी बेटी का एडमिशन हुआ तो मैं एक फादर के अंदर डर रहा था कि कैसे 10 में जाएगी, कैसे क्या होगा, और तब तो लोकेशन शेयरिंग भी नहीं था। हाँ, तो मुझे डर लगता था कि क्या होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा अपने बच्चों पर मुझे भरोसा है, जा बेटा देखते हैं क्या होगा, और मतलब आराम से आने जाने लगे सारे चीज़ें, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, क्योंकि जब जैसे मुझे क्या लगता है कि माँ बाप को ना बच्चों को छोड़ना चाहिए। नहीं, माँ बाप जब बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू कर लेगी हाँ डू इट कर जा, तो मुझे लगता है कि बच्चे अक्सर होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे वाइफ को भी बोलता हूँ कि जैसे कहीं जाना है तो तू जाना, मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ कि आगे घर से बाहर निकलेगी तो एक कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चों को उसी तरीके जाओ तुम अगर एडमिशन लेना जाओ कहीं कुछ करना फॉर्म भरो कुछ करो, तो बच्चों का मुझे लगता है कि माँ बाप को थोड़ा बच्चों पे भरोसा करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जी। और विजय जी, आजकल जैसे काफ़ी एडिक्शंस आते हैं, ड्रग्स हैं आजकल बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं, स्मोकिंग की लत मिलने में 2 फ्रेंड्स बोलते हैं अरे कर ले कुछ नहीं होगा, लत लग जाती है। ड्रिंकिंग ऐसा हो गया कि अभी हमारे पिछले एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर जुड़ी थी और उन्होंने ये बताया कि स्मोकिंग मतलब बच्चे 8 साल की उम्र से करने लगे। तो ये जो बदलाव आया है, ये जो सब कुछ फटाफट करना है, एक एज के लिए नहीं रुकना है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ना कि एक शौक हो गया कि मतलब होता ना कि जैसे मुझे कभी क्या आपको शौक अब आप जब मैं ना जब 12th में था तो एक मेरा दोस्त था, दोस्त से ही होता है क्यों झूठ बोले, तो दोस्त ने मुझे ट्राई किया कि चल ना पीते हैं। तो एक बार मैंने पिया, खास सीजन में छोड़ भी दिया, लेकिन आज के बाद मैंने कभी भी मतलब वो नहीं किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं या हम शूट में भी जाते हैं देखते हैं कि एक फैशन बन गया है, मतलब अगर वो सिगरेट पी रहा है cool. हाँ cool, वो सिगरेट पी रहा तो अच्छा यार कल्चर वाला है, मतलब पढ़ा लिखा लगता है, तो अब बच्चों के दिमाग में भरा है, लेकिन गलत बात है। जितना दूर रहो अच्छा है, संगत तो मिलेगा, संगत आप बोलते हैं ना कि आप अगर दोस्त हैं दोस्त खराब करें तो उनकी जो अच्छाई लो ना बुराई क्यों लेते हो। और विजय जी, जैसे एक्टर बनना है तो एक्टर का हमारा काम है कि हम अपने आप को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करें, सो एक तरीके से दिखना, जैसे फिटनेस हो गई जी, तो सही तरीके से खाना, सही तरीके से टाइमिंग्स पे सोना, सही डाइट रखना, ये सब कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है,
मैं तो बोलता हूँ कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो अगर आप एक्टर बनना, चले हम डायरेक्टर हैं, हमको जरूरी नहीं स्मार्ट होना और बल्ले सल्ले होना जरूरी नहीं, लेकिन जो कैमरे के सामने दिख रहा है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़रूरी फिट होना। आप टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, अपने फूड्स लीजिए, अपने सारे एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, बहुत ज़रूरी ध्यान देना। अगर नहीं कर रहे तो आप चीटिंग कर रहे हो अपने करियर के साथ, क्योंकि एक एक्टर को तो हर चीज़, मतलब हीरो है तो हीरो बनने आए तो हीरो तो दिखना ही चाहिए। Correct. हम क्यों बोलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अरे यार अच्छा लग रहा है तू, इसका मतलब अच्छा है, रख लो या जो भी, तो ध्यान तो देना पड़ेगा अपने ऊपर। विजय जी, ये फील्ड डिफिकल्ट है, जैसे कि आपने बताया कि सक्सेस थोड़े से हैं, फेलियर्स ज़्यादा हैं, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अपना मानसिक संतुलन बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपने बच्चों, जब वीकेएस फिल्म एकेडमी में जब क्लास लेता हूँ तो मेरा ओम से ही शुरू होता है, क्योंकि आप अगर आपका दिमाग शांत रहेगा ना तो आप बहुत अच्छा सोच सकते हो, बहुत अच्छा आप कर भी सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम बांधिए डेली कि 5 मिनट 10 मिनट आप एक कुछ भी ध्यान करिए, कंसंट्रेशन करिए, वो आपको एक औरा आपका एक बना के रखेगा, लगेगा नहीं भाई मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। और लाइन रखना बहुत ज़रूरी है ना, डायलॉग्स बहुत जरूरी, बादाम खाने बहुत ज़रूरी है। बादाम से नहीं होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 99% आज के एक्टर को लाइन याद नहीं, पुराने तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब आपके आपको लाइन याद ही नहीं होगा तो आप क्या परफॉर्मेंस करोगे, आपको मूड नहीं पता चलेगा, आप भूल जाओगे, पसीने आएंगे। तो मैं हमेशा पहला मेरा होता है ध्यान सारा उसमें रहेगा, और ध्यान के लिए आपको अगर लाइन याद करना तो आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलता हूँ पहला आपको डायलॉग याद होना चाहिए, दूसरा डिक्शन सही होना चाहिए, और तीसरा मॉड्यूलेशन। तीन चीज अगर एक एक्टर काम करे तो बहुत जल्दी आगे बढ़े। रिस्पेक्टिंग टाइम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय की अगर फिर चाहे किसी ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया हो या शूटिंग हो, बिल्कुल, या हम तो रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टाइम कितना जरूरी है। मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे मिलिट्री का टाइम होता है ना, वैसे अपने शूटिंग लाइन का टाइम है। अगर आपका कॉल टाइम 9 बजे है तो आपको 9 बजे पहुँचना है। समय अगर आप समय के साथ चलेंगे तो समय आपका साथ देगा। मैं हमेशा बच्चों को भी वही बोलता हूँ अपने एकेडमी में कि बेटा टाइम से आओ, समझो कि मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। आप वैसा अगर आप टाइम से रखोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है पहले बता दो, लेकिन नहीं तो आपको टाइम से आना है। टाइम का रिस्पेक्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप टाइम आपको खुद ही भगा देगा कि नहीं भाई गेट आउट, आप इस लाइक नहीं। और इस नोट पे विजय जी, टाइम आ गया कि हम पुलकित से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी टाइम के काफी पाबंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए बुलाते हैं पुलकित को जी, ताकि उनसे हम ये जान सके कि सीईटी में 96% लाना एक बहुत बड़ा फीट है, और बहुत सारे टीनेजर्स होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। बिल्कुल, और मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेरी बेटी तनु, उसने हाई स्कूल में 89%, इंटर में 93%, वाओ, और बीए में उसने कुछ 90 के आसपास लाई है, मतलब तो वो भी माइंड ब्लोइंग है और एकदम तैयारी कर रही। तो मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत खुश हूँ, उम्मीद है कि आगे, उम्मीद मतलब ये नहीं कि वो कुछ बनेंगे मुझे वो करके, अपनी लाइफ सही से बिताएं, बढ़िया से आगे बढ़े, जितना मेरा सहयोग मैं कर रहा हूँ। Yes. और आगे बढ़ते रहे। एंड मोर पावर टू विजय जी, और इन आर टीम्स और हमारी पूरी टीम की तरफ से तनु को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए बात करते हैं पुलकित से। हाय पुलकित, एंड वेलकम टू आवर शो इन आर टीम्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, और आज के शुभ अवसर पर आपका एडमिशन हुआ है, कांग्रेचुलेशंस, और आज ही आप हमारे शो में आए हैं। भगवान की कृपा है ना। भगवान की कृपा और आपकी मेहनत भी कि आप 96% से आपने सीईटी क्लियर किया है। थैंक यू। तो क्या तैयारी कर, कैसे तैयारी की आपने पुलकित? हमारे कुछ टीनेजर्स हैं जो ये शो देखते हैं, उन्हें बताएं। मतलब मैंने, जैसे मैंने मैथ्स लिया था, साइंस, तो फिर इसमें हम लोग को क्या मेहनत बहुत लगती है, आसान लगता है, हम लोग शुरुआत में तो एकदम जोर से करने लगते हैं तैयारी, फिर बीच में हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। कि मैंने क्यों ठंडे पड़ते हैं, थक जाते हैं कि थके, फिर दोस्त माहौल, और फिर कितना कोई पड़ेगा, कंटिन्यूटी चाहिए रहता है ना। तो दोस्त क्या बोलते हैं, बस हो गया, मत करने करे। हाँ, तो तूने कितना किया, तो इससे मेरे दोस्त पूछते थे तेरी कितनी पढ़ाई, तो मैं बोलता था मेरी तो कुछ नहीं हुई, लेकिन घर पे मैं पढ़ता रहता तो मतलब पढ़ता रहता, तो दोस्त भी होता है और माहौल भी होता है, सबके बस का नहीं होता, सही बताओ तो।
तो वही है कि मैंने अंत तक लेकिन हौसला जोड़े रखा, रात रात पढ़ता था, मतलब फ़ोन भी देखता था, सब करता था, पढ़ता भी था, तो हो गया वैसे। तो कैसे बैलेंस आउट करते हैं आप कि थोड़ा रिक्रिएशन भी चाहिए ब्रेन को, आप कंटिन्यूस शूट तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सोशल मीडिया भी देखना है, थोड़े OTT प्लेटफॉर्म भी देखने हैं, थोड़ा शॉर्ट्स भी देखने हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं आप टाइम? मैं खुद को ज़्यादा प्रेशर देता नहीं था कि मेरा ऐसा टारगेट रहता था आज अगर एक चैप्टर पढ़ना है, दो चैप्टर, तो कंप्लीट होगा। अब उसमें बीच में फ़ोन भी देख लिया, अगर आप सोचोगे कि टेंशन लोगे कि आज मैंने इतना नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। तो मैं अपना आराम से पढ़ता, दो घंटा आधा घंटा फ़ोन देखा, फिर दो घंटा कुछ खाया पिया, दोस्तों से मिले, फिर पढ़ो। पर बल्कि डिस्ट्रैक्शन तो होते होंगे ना बहुत, तो फिर कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं? मैं उतना अच्छा तो नहीं हूँ ये सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता हूँ। एग्जाम कैसे आते हैं 96%? एग्जाम के वक्त कम कर दिया था, तो मेरा कैसा होता, दिन में मेरे को पढ़नी नहीं होता था क्योंकि फ़ोन उन, तो मैं रात में पढ़ता था जग जग के, मम्मी आपा सब लोग सो रहे, मैं रात में बाजू में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि आप आज के डेट में और 5 साल पहले में यही फ़र्क है कि हम लोग सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा ही हो गए। अगर आप सोचो फ़ोन बाजू में रखूँगा तो नहीं रख सकते, पढ़ाई भी उसी में, आप YouTube पे पढ़ोगे, आप कुछ भी कर लो, कोर्स सब कुछ गैजेट्स में, हाँ उसी में पढ़ोगे। आ तक कि अगर आपको टाइम भी देखना है तो फ़ोन अब आ गया, घड़ी तो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो रहता है, लेकिन अब टेंशन भी रहेगा एग्जाम का पढ़ना है तो आप वही है, जिसमें मन और चाह है वो कर ही लेगा, वैसा है। सो पुलकित, हर आई एम श्योर हर आंसर को लिखने की एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसके पॉइंट्स होते हैं, जिसके मार्किंग्स होते हैं, तो क्या आपने सिर्फ अपने आप से पढ़ाई की या CET के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कोचिंग ली है? मैं कोचिंग ज़्यादा था लेकिन फिर मैंने क्विट कर दिया CET के लिए, तो मैं ऑनलाइन क्विट किया आपने? कि वो थोड़ा सा मुझे जो टीचर्स थे वो जम नहीं रहे थे, अच्छा, वैसा था, और फिर अच्छा, मेरे फ्रेंड्स भी थे तो हम लोग ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन कोर्स में पढ़ता था, वो था 4-5 घंटा पढ़ाते थे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा रहती है। एंट्रेंस आप कोई भी लो, अगर आप कितना भी किसी से भी पढ़ लो, अगर आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं आएगा। तो मैं पढ़ता था, बाकी खुद से मैं बहुत किया, और आजकल तो यूट्यूब पे भी सब मिल जाता है। यस, यूट्यूब पे भी चैप्टर सिखाते हैं, अरे पूरा सिलेबस फ्री में। हाँ, तो उसी में अच्छे लोग हैं, गुड कर्मा। हाँ, तो मैं वही उसी में से हो जाता था मेरा, और बुक्स थी, मतलब मैं डे 1 से कुछ ना कुछ पढ़ता था, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता, तो हो गया। तो पुलकित, आपने ये इंजीनियरिंग का डिसीजन कैसे लिया? क्यों नहीं, जैसे पापा के पापा थे, चाहते थे IPS IAS करे, और आपने स्ट्रेट इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड चूज किया, आपने कभी IPS IAS के बारे में नहीं सोचा? इंटरेस्ट नहीं था वो फील्ड में, सही बोलूँ तो। मैं 10th के बाद मैंने सोचा आर्ट्स लू, कॉमर्स लू, लेकिन मुझे मैथ्स थोड़ा पसंद था, फिर पापा से बोला आर्ट्स। पहले हो आप जो बोल रहे हैं मैथ्स थोड़ा पसंद था, बाकी सब ड्रॉप करने के चक्कर में होते हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग है मैथ्स अगर समझो, मैं पर बोला पापा से कि आर्ट्स लू थोड़ा आसान हो, तो पापा बोला नहीं साइंस लेना है। क्यों, पापा को ऐसा लगा आर्ट्स मतलब पापा तो खुद आर्ट्स में है? नहीं, मेरी जो बड़ी सिस्टर उसने आर्ट्स ही लिया है। अच्छा, पापा को लगा फॉर अ चेंज साइंस, पर मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था, तो 11th ऐसे ही गया मेरा, तो कोरोना में गया तो कुछ पता भी नहीं चला। 12th पर मेरा हो गया अच्छे से, धीरे धीरे, मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, कुछ भले 2 घंटा दिन का पढ़ो, हाँ पढ़ता हूँ वो है। पुलकित, आपको लगता है कोविड के टाइम जो ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, सडनली बच्चों के लिए पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोप अप करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आप पे बस बच्चों पे बस डाल दिया कि आज से ऐसे होगा, क्या उससे फ़र्क पड़ा? बहुत बच्चों को फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि कोविड में हम लोग ऑनलाइन, तो सब जानते ऑनलाइन क्या ही पढ़ाई होती है, मैं खुद ऑनलाइन पढ़ता था सो जाता था, मतलब नहीं उसमें, पर जब टू मच ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर भी थकान उसमें फिर, और आप जब गैजेट्स के पास रहोगे तो आप उसी में इन्वॉल्व रहोगे, बच्चे का ही उस एडिक्शन भी लोगों को वहीं से चालू हुआ मुझे तो लगता है। मतलब बच्चों की ना एक स्कूल की विंडो चालू रहती थी और नीचे यूट्यूब की दूसरी विंडो चालू रहती थी। हाँ, फिर ऑफलाइन जब आया कि अब से ऑफलाइन, तो भी हम लोग थोड़ा जोन आउट हो गए कि घर पे बैठने की आदत, घर पे पढ़ो फिर इधर बुला रहे, लेकिन हो गया धीरे धीरे, पर अभी भी ऑनलाइन की आदत होगी, उससे हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, लेक्चर ले रहे ऑफलाइन लेकिन यूट्यूब से घर पे आगे पढ़ेंगे। बट पुलकित, आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन ने हमें काफ़ी अकेला बना दिया? क्योंकि कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना, बच्चों को मिलना, सोशलाइज करने का एक माहौल बन जाता है, क्या इसमें चेंजेस आए हैं सोच में? बहुत, क्योंकि आज के डेट में जितना भी बोले कि हम एडवांस हो गए, आधुनिक जो गैजेट सब आ गए हैं, लेकिन जैसे एक क्लासरूम में बैठा है बच्चा तो अपने में ही लगे हैं सब लोग, अपना सोशल मीडिया, कोई किसी से बात करना चाहता नहीं अब तक मैंने जिसने देखा, तो वही है कि गैजेट जितना फ़ायदा किया उससे ज़्यादा तो नुकसान किया है।
काफी बच्चे आजकल जैसे पहले उनके पास गैजेट्स नहीं होते थे तो उनको लेके पढ़ाई करना है या बाहर जाके दोस्तों से मिलना है, लेकिन अब क्या लोग एक कमरे में बगल में अपना फोन देख रहे हैं कुछ है और देखने के लिए कुछ ना कुछ है ही हर वक्त, तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत हुआ है बहुत ज्यादा। बल्कि जब आप टीनेजर बने, जब आपका 13th बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया, तो सबसे पहले वो जो होता है ना, अब मैं टीनेजर हूँ, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया था कि आप सबसे पहले क्या, मतलब टीनेजर बन गया मतलब क्या? वही कि बाहर जाओ तो अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, परमिशन ऐसे ही चले जाओ बाहर दोस्तों के साथ, पर मैं घर मतलब सही था कंट्रोल्ड, मुझे इतना ख्याल आया नहीं तब। क्योंकि विजय जी यूजुअली बच्चे जब 13th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो पावर जी और वेफर्स नहीं चाहिए होते हैं, घर में नहीं करना होता है, अब उनका रहता है कि बस मुझे बजट दे दो मैं अपने फ्रेंड्स को लेके मॉल चला जाऊंगा, एम आई राइट? बट बर्थडे सेलिब्रेशन में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। और फिर 13 years के बाद पुलकित, सबसे पहले तो आपने बोला कि परमिशन इतनी अब नहीं लेनी पड़ेगी जितनी पहले लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी जैसे हमारे पास गैजेट्स हैं, आई नो डिस्ट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन कुछ गैजेट्स हमारी सेफ्टी के लिए भी है कि जैसे हम किसी के साथ लोकेशन शेयर कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि हम कहाँ हैं। तो जब क्या आपके पेरेंट्स आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना लोकेशन शेयर करें या हमें वक्त वक्त पर बताएं कि आप कहाँ हैं? उतना नहीं, कभी कभार कि मम्मी पापा तो उतना नहीं, पापा तो छोड़ देते हैं, कहीं निकला है तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा ये भी सोच अच्छी है मम्मी थोड़ा पूछती रहती है, लोकेशन ऐसे नहीं बस पूछती रहती कहाँ है, पर अभी मुझे तो मैं जितना मुंबई में ट्रैवल किया हूँ तो मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन मम्मी जब ये बोलती है कि बताएं कि आप कहाँ कहाँ हैं, तो आपको ये लगता है अरे मम्मी क्या, या आपको लगता है नहीं यार उन्हें मतलब मेरी मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं? नहीं अरे मम्मी क्या है पुलकित जैसे आपके दोस्त है अभी, आप तो काफी ना, हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 18। ओह माय गॉड, तो वोटर आईडी बना कि नहीं 2024 के लिए? तो अभी बताएं, अभी तो 18, तो अभी तो परमिशन की पर भी नहीं जरूरत होती होगी? मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, अच्छा पड़ता है, व्हिच इज गुड। तो अभी 18 पे यूजुअली टीनेजर्स का ये होता है, 18 तो बहुत लेट हो गया, कुछ कुछ टीनेजर्स तो 15-16 पे स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या आपके पीयर ने आप पर कभी ऐसे प्रेशर डाला है या आपको ऐसे बोला है कि अरे आप नहीं करते हो तो हमारे साथ मत आओ, क्या ये प्रेशर आप महसूस करते हैं? मैं अब इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे दोस्त अच्छे ही थे, कुछ है जो ये सब करते हैं लेकिन वो लोग भी दूर ही रहते, मतलब ऐसे अब वही है कि खुद के ऊपर है, ऐसे मेरे पापा नहीं करते ये सब, मेरे खानदान में भी कोई नहीं करता, तो मेरे में है कि मैं एडिक्शन तो नहीं करूँगा, तो ऐसे अगर सामने लग कर भी रहे तो आप मत दूर हट जाओ, वो अपने ऊपर है। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे दोस्त ने पिला दिया, अब तो बच्चा तो है नहीं, तुम्हारे अपने में विल है, तुम पियोगे तभी ना, तो मैं नहीं दूर ही रहता हूँ ये सबसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं करते, फिल्म इंडस्ट्री में होके नहीं करते, तो मैं भी इसके लिए, मेरे लिए इंस्पिरेशन है पापा। यू शुड बी प्राउड विजय जी, दैट्स बिल्कुल सम अमेजिंग अपब्रिंगिंग। मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, बिटिया भी बहुत अच्छी है, मतलब कोई मुझे भरोसा, सबसे बड़ी बात कि मुझे भरोसा अपने बच्चों पर, तो मैं भी ठीक है जा बेटा कोई नहीं, बट मुझे यह है कि कोई शिकायत नहीं मिली, तो बस कॉन्फिडेंस है। फिर जैसे मुझे लगता है कि मुझे पिताजी इलाहाबाद पढ़ने भेजे, मुंबई भेजे, जैसे एक विश्वास दिया बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने रिस्पॉन्सिबली उसको यूज किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे मैं भी अपने बच्चों को छूट देता हूँ, तो निकलो आगे, तुम बेटी हो चाहे बेटा दोनों को मतलब कि जाओ अपना करियर बनाओ। पुलकित आप और तनु दोनों ही बचपन से पापा को इस इंडस्ट्री में देखते आ रहे हैं, फिर भी कैसे आपको अट्रैक्शन नहीं हुआ इस इंडस्ट्री का? आपने पढ़ाई का माध्यम चुना, जैसे तनु अपना आर्ट्स में कर रही हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कभी ये अट्रैक्शन महसूस किया आपने कि आपको भी इस इंडस्ट्री में कुछ करना है? अट्रैक्शन मतलब थोड़ा सा काम देख के पापा को थोड़ा लगता है जाए, लेकिन ये भी मैं बचपन से जान गया हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों आप कहते हैं कि एजुकेशन, एक डिग्री होगी तो आपके पास श्योरिटी तो है, कुछ तो है, क्योंकि कई लोग देखता हूँ ऐसे कुछ डिग्री नहीं आ जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं जा सकते, मेरे पास डिग्री है मैं कुछ तो कर लूँगा, हाँ वो कल की बात है, इंजीनियरिंग नहीं करूँ तो कुछ और करूँ, हो सकता है पापा के साथ रहूँ, तो अब मेरे डैड है इसमें तो जाहिर सी बात है थोड़ा एडवांटेज। बाकी हाँ मेरे दोस्त भी पहले बोलते थे क्यों पढ़ रहे तू क्या कर रहे तुझे पापा इसमें, हाँ पर मैं बोलता था नहीं पढ़ाई ज़रूरी है, अगर वैसे भी फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कोई भी फील्ड में जाओ आप, क्योंकि एक श्योरिटी तो रहेगी मेरे पास डिग्री है कम से कम, कुछ तो है जॉब वॉब कुछ तो रहेगा। आप युवा हैं इस देश के, आप अभी एक रिस्पॉन्सिबल वोटर हैं, कितना पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं आप, कितना आप वेल वर्स्ड हैं कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है?
रहता हूँ मैं वैसे, मुझे थोड़ा न्यूज पढ़ने की आदत है, पढ़ता रहता। तो आपको लगता है ये जरूरी है कि हर युवा ये जाने कि देश में क्या हो रहा है, देश का माहौल क्या है, और हमें हम कैसे इसकी तरफ अच्छाई की तरफ, देश की अच्छाई की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के मैं देखता हूँ जो मेरे ही पीयर है या कोई, उनको अगर आप कोई नेता का नाम पूछ लो नहीं पता रहता कि ये स्टेट के सीएम कौन है, ये सब आजकल कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। लेकिन ज़रूरी है क्योंकि सरकार क्या कर रही है, आप फ्यूचर हो। हाँ, और वो हमारे लिए क्या करी हमें तो पता है, और क्या नहीं भी कर रही तो पता है। क्या हो सकता है हमारे पेरेंट्स को हो, लेकिन हमें अपना मत रखना ज़रूरी होता है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स फॉलो करना चाहिए। और पुलकित, जैसे हम एक पॉपुलस कंट्री है, वी आर पॉपुलेटेड, तो युवा ये जो आपके एज ग्रुप है 18+, जो अभी पढ़ाई करके एक 3-4 साल में जॉब्स ढूंढना शुरू करेंगे, तो आपको लगता है हमारी कंट्री में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं युवाओं के लिए अभी? क्या आपको कभी डर लगता है कि मेरे जैसे और कितने ही होंगे? लगता ही है, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो हर साल लाखों निकलते हैं, लेकिन जॉब्स अगर समझ लीजिए 1000, कोई भी आप ले लीजिए जॉब हो या सीट हो एग्ज़ाम के लिए, 1000 है तो लाख बच्चे देते हैं वो। करेक्ट। तो आपको टॉप टीयर में रहना ज़रूरी है उसमें, अगर आप बेस्ट नहीं हो तो नहीं होगा। मुझे भी वही लगता है कि अब मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा तो अच्छे से ही पढ़ाई करूँगा, मेरा तो टारगेट वही है कम से कम कुछ अच्छा सीख के आओ, क्योंकि टॉप में रहोगे तो ही ले लिए जाओगे। आज के डेट में मतलब इतना भीड़ हो गया है, क्या बताओ। मतलब हम लोग कोई एग्ज़ाम है जैसे कोई देने जाते हैं तो इतने बच्चे देते हैं कि वो कट ऑफ ही बढ़ जाता है उसका, और जो क्या करें, अब ऐसा लगता है हम 20 साल पहले पैदा होते, पॉपुलेशन कम रहता। और अब्रॉड जाके डू यू वांट टू वर्क अब्रॉड या अपने देश में? अपने देश में, अपना शहर मुंबई। पर आपको लगता है इंडिया में अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हर साल कुछ नया नया ही करियर ऑप्शन निकल है इतना मैंने देखा तो है, ऐसा नहीं। पुलकित, आप इतने काम हैं, आप इतने सॉर्टेड हैं, ठीक है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पापा का भी कैसे रिस्पेक्ट रखना है पता है, आपको ये भी पता है कि मम्मी आपको पे कितना ध्यान रखती है, वो भी अच्छे के लिए है, एक बहन का आदर्श आपके सामने है, तो आप अपने आप को इस तरह से काम, और आई एम श्योर आपको भी प्रेशर महसूस तो होता होगा ना कभी ना कभी, तो कभी ना कभी आपका भी आपके लैंग्वेज में सटकता ही होगा, तो वो सटक को आप कैसे कौन से मैकेनिज्म से उसे ठीक करते हैं? सोचिए मत ज़्यादा, मैं तो बोलूँगा ऐसे, मैं अभी कुछ हूँ 4 साल बाद क्या होगा क्या, अभी मैं पापा पे डिपेंडेंट हूँ, 4 साल बाद मुझे ही घर संभालना है, ऐसे कई लोग सोचते, सोचिए मत, जो है समय के साथ चलते जाइए। बट यू नो दैट कि पापा जो आज मम्मी और पापा आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, दे आर मेकिंग यू समथिंग, आपको पता है ना कि आपको पलट के उन्हें शायद ज़रूरत नहीं होगी, बट क्या आपके अंदर वो भावना है कि मुझे करना है, सब करना है? पापा ने हम लोग को इतना बड़ा किया, खुद का घर लिया मुंबई में, इतना सब दिया, हमेशा एजुकेशन में आगे रखा, तो हम लोग का भी जिम्मेदारी है कि वापस कुछ ना कुछ देना ही है। धन्य हो तुसी। ऐसे विचार, मैं सच कह रही हूँ, जोक सपाट, ऐसे विचार युवाओं से सुनने में कितना अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि हमने हमारी संस्कृति, हमने हमारा हमारी थॉट प्रोसेस, सोच बच्चों में अभी भी है, जब ऐसे देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सोचते हैं कि मैं 12th करूंगा, डिग्री लूंगा और मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो मुड़कर माँ बाप की ओर देखते हैं। पुलकित, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एंड आई थिंक आपकी यही पवित्र सोच है जिस वजह से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। मे गॉड बी विद यू ऑलवेज। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो टुडे। इट्स बीन सो गुड। पापा से बात करके तो हमें काफ़ी इंसाइट मिला, लेकिन एक यंगस्टर से बात करके जो प्रेरणा मिलती है ना, वो अलग ही होती है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके बात करके। आपको जब पता चला कि चैट शो में जाना है पापा के साथ बैठ के बात, तो क्या सोच थी आपकी? मुझे पापा ने बताया नहीं क्या बोलना है क्या होगा, तो मैंने आपका लेकिन यूट्यूब पे देखा था पहले की वीडियोस, तो मुझे थोड़ा आइडिया था, मतलब बैठेंगे आप तो इतनी अच्छी एंकर है तो आप अच्छा। तो पुलकित, आपने जब हमारे वीडियोस देखे, क्योंकि हम हमारे वीडियोस युवाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, तो आपको लगता है कि दे आर इन्फॉर्मेटिव, या ऐसा क्या है जो इन आवर टीन्स उसे और अच्छा करने में हम योगदान दे सके? मुझे तो आपका एकदम परिपूर्ण लगता है वीडियो, कि आप पेरेंट्स के साथ बैठाती हैं और दोनों का रिलेशन बात करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि आजकल बहुत कम ही देखने मिलता है ये सब, कि पेरेंट्स और टीनेजर साथ में बैठते हैं ना, और बिना फोन्स के बैठ के गप्पे मार रहे हैं।
पुलकित, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पापा की कौन सी एक चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप अपने लाइफ में हमेशा आगे लेके चलना चाहते हैं, कौन सी एक गुण है उनका? मेरे पापा में ये है कि जैसे कोई भी इंसान हो, बड़ा हो छोटा हो, अपने कद का हो दूसरा हो, पर सबसे अच्छे से रहते हैं। मतलब मेरे पापा में ऐसे चालाकी नहीं है ज़्यादा, इतना मैंने देखा है। तो मेरे पापा सबसे अच्छे रहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं। मतलब कई लोग धोखा भी देते हैं लेकिन फिर मेरे पापा शांत रहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, वो मुझे अच्छा लगता है। तो शायद मैं अपने अंदर वही लेना चाहूँगा। और कौन सा एक गुण है जो आपको लगता है अरे थोड़ा चेंज कर लेंगे तो सही हो जाएगा? सब पे भरोसा जल्दी कर, बिकॉज ही इज अ काइंड सोल। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए आज के ज़माने में। हाँ, वैसा थोड़ा फिर लोग एडवांटेज ले लेते हैं। हाँ, और कौन, किससे आप ज़्यादा डरते हैं लाइक बचपन में, मम्मी या पापा? पापा से, पापा मतलब मम्मी बोल दे पापा आएंगे तो बहुत डर लगता है। तो वो धमकी होती थी, अब पापा आएंगे तो देखना बता दूंगी मैं। हाँ? पापा मतलब जल्दी वैसे मारते उड़ते नहीं थे, साल में एक बार वाट लगाते तो पूरा साल याद रहता। तो इसके लिए सो गुड विजय जी, दिस इज सो स्पेशल, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी आपको, हमारे जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना तो यूजुअली मदर और चाइल्ड आते हैं, बिकॉज भारत में सबसे ज्यादा योगदान पेरेंटिंग की तरफ माँ का रहता है। लेकिन आप हमारे फर्स्ट फादर सन ड्यू है जो यहाँ आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है फादर्स भी एक साइलेंट रोल निभाते हैं पेरेंटिंग में। जैसे आपने बोला साल में एक बार देते हैं लेकिन पूरा साल निकल जाता है। ऑन दैट नोट विजय जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ये आप दोनों के लिए हमारी टीम की तरफ से, और प्लीज हमारी टीम को शुभकामनाएं दें, क्योंकि हम ये शो टीनेजर्स के लिए बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें घर से सपोर्ट नहीं होता, जो पेरेंट्स से खुलकर बात नहीं कर पाते, जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो बस ये उन्हीं के लिए है कि हमारा शो देखकर उन्हें कुछ सोल्यूशन मिले। जो पहल हुआ है वाकई में, मैं भी पहले इंटरव्यू लेता था तो उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा, कि ये जो मतलब मैं शायद पहली बार बेटे के साथ इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, उसका विचार सुन के, कभी होता ना कि हम लोग जनरली बात नहीं करते, कि कभी ऐसा विचार सुन, मुझे अच्छा लगा कि चलो बच्चे हमारे सही रास्ते पे जा रहे हैं। और धन्यवाद, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने इतने, मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, आप इतने प्यार से इतने अच्छे प्रश्न किए और हम लोग इतने अच्छे से बोला। बिहाइंड द कैमरा ना सब एक्टर पे चिल्लाते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वाले लोग जो फ्रंट ऑफ द कैमरा आते हैं नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है। बस इसी तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे, और मुझे लगता है कि सबको जुड़ना चाहिए इस प्रोग्राम से, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से, मतलब चाहे मम्मी हो, पापा हो या बच्चे हों, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, कि उनके अपने पेरेंट्स के प्रति क्या भाव है, वो बहुत अच्छा एक अलग कॉन्सेप्ट है। और मैं दर्शकों से ही बोलूंगा कि ये देखिए और इसको वायरल करिए। बस थैंक यू आपकी शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू एंड पुलकित, आवर बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑन दैट नोट आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास था, कुछ बच्चों के विचार सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सी लाइटनेस फील होती है। पुलकित के विचारों को सुनकर आज बस वही लगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।